those who try to create balance, they create imbalance. Balance create नहीं किया जा सकता, manifest होता है, it is already there. You have to be open, receptive, it is already there. और ये wisdom, ये समझ ही उस balance को लाती है, क्योंकि वो तो ताओ है. ताओ का मतलब that which is, जो eternal है. तुम समझते हो बस इस बात को कि ऐसा ही है और संतुलन आ गया. लेकिन संतुलन लाने का प्रयास करें, जैसे कि देखो प्रेम संतुलन लाता है. दो लोगों के जीवन में प्रेम आए, सब कुछ संतुलित हो जाता है, बैलेंस्ड हो जाता है. लेकिन जब प्रेम ना हो और वो संतुलन लाने की कोशिश करें तो उसका अंत डाइवोर्स पे ही होता है. संतुलन बनाते 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 एक दिन आखिरी तिनके से ऊँट बैठ जाता है, क्योंकि बना नहीं सकते तुम, वो तो अंदर इनबिल्ट, कोई डिवीज़न नहीं. इट्स ऑल प्ले, ट्रांजिएंट और परमानेंट का एक प्ले है और वो कंबाइंड है. इट्स ऑल टुगेदर. नहीं तो वो स्पिरिचुअल स्टुपिडिटी थी. बहुत सारी स्पिरिचुअल स्टुपिडिटीज भी चलती हैं ना. भगवान के भजन करो, कौन से भगवान के, सामने है जो उसको बुरा कहते हैं, जिसको देखा ही नहीं उसको खुदा कहते हैं. जो है उसको तो समझो, देखो. ट्रांजिएंट बुरा कहाँ है, जो परमानेंट नहीं है वो गलत कहाँ है. ये जानना कि वो परमानेंट नहीं है, बस यही तो बात कही जा रही है ना. है तो वो कॉन्शियसनेस का ही मैनिफेस्टेशन, बट यू नो इट. सुबह तुमने एक प्याला चाय बनाई, उसका आनंद लिया, ट्रांजिएंट है. चाय इटर्नल नहीं है, लेकिन अच्छी है, खूबसूरत है, ख़त्म हो गई. खाली प्याला हो गया, रख दिया, फिर बनी. अब तुम सोचो कि क्या पढ़ना इस चक्कर में, अगर बस खाली ही होना है इस प्याले को तो इसको भरना ही क्या. लाइफ का प्ले तो ऐसा ही है. बस इतना जानना है कि परमानेंट की बैकग्राउंड पर ट्रांजिएंट जो है मूव करता है. ऐसा ही है जीवन, ऐसा ही है. इसमें कोई उलझन, कोई अड़चन, कोई उलझाव है ही नहीं.